बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपको पता तो चल चुका होगा कि ये वीकेंड हमारा सारा फर्जीन के बर्थडे में चला गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। फर्जीन के बर्थडे पे हमारा इरादा तो था कि फैमिली डिनर पे जाएंगे, लेकिन कुछ नागुजीर वजूहात की बिना पे हम लोग डिनर पे नहीं जा सके। तो मीना ने ऑलरेडी कुछ एहतमाम पहले से प्लानिंग की हुई थी, जिसका मुझे भी उसने बताया तो था लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। बहरहाल उसने बड़ा ज़बरदस्त टेबल डेकोरेट किया और एक आधा कोई सरप्राइज भी रखा था, जिसमें से एक सरप्राइज तो मुझे पता था, दूसरा सरप्राइज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। यानी मीना ने खुद फर्जीन के बर्थडे के लिए एक सॉन्ग बनाया था, जिसमें उसकी ज़्यादातर बुरी और चंद एक अच्छे क्लिप्स भी डाले थे, लेकिन सॉन्ग बहुत मज़े का था। तो फर्जीन का क्या रिएक्शन था ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल तो आप देखें टेबल डेकोरेशन, जो कि मैंने नहीं की, बाकी दो बहनों ने की है और काफ़ी जो है उसमें मेहनत की गई है। रंग बिरंगी लाइट्स भी हैं और हर दफ़ा टेबल डेकोरेशन में आपको कोई एक चीज़ ज़्यादा नज़र आएगी। और ये जी बर्थडे सैश है, ये हम आगे आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ। प्लान ये कि जैसे ही फर्जीन आएगी तो मैंने ये सॉन्ग प्ले करना है और साथ ही जो है वो वीडियो लेनी है। उसने जैसे ही मुझे सिग्नल दिया तो मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया और इसके साथ ही जो है वो फर्जीन की एंट्री की हो जाती है सॉन्ग के साथ ही। तो ये फर्जीन आ रही हैं, अम्मी अबू से मिलती हैं, साथ में मीना और फाइना भी उनको बर्थडे विश कर रही हैं। से मेल मुलाकात करें जैसे पहली दफ़ा एक दूसरे से मिल रहे हो। खैर ये बर्थडे की विशेष होने के बाद जो है हम आगे केक कटिंग सेरेमनी की तरफ चलेंगे। डेकोरेशन देखते ही फर्जीन का एक ख़ास किस्म का रिएक्शन आया, जिसमें फर्जीन काफ़ी हैरान और थोड़ी बहुत परेशान भी होगी कि ये सब क्या हुआ है। घर में कुछ प्लानिंग भी थी, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि प्लानिंग कोई भी नहीं हुई होगी घर पर। बहरहाल अब इसके केक काटने की रस्म शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है वो जैसे मिस वर्ल्ड को एक सैश पहनाई जाती है कि जी आपने बड़ा कारनामा किया, बिल्कुल उसी तरह से अभी फहमीना जो है जिन्होंने ये प्लान किया था सरप्राइज, वो फर्जीन को बर्थडे सैश पहनाएंगी। और फर्जीन इस वक्त खुद को मिस वर्ल्ड समझ रही हैं कि जी उनको बर्थडे सैश पहनाई जा रही है। पहनने के बाद खुद को सच में मिस वर्ल्ड समझते हुए फर्जीन जो है वो खुश भी हो रही हैं और इठला भी रही हैं, और अब अपना केक काटेंगी मोहतरमा फर्जीन साहिबा। वो सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, कैमरा मैन का तो आपको पता है, वो तो हमेशा कैमरा के पीछे होता है और दूसरे लोगों को देख देख के खुश होता है। तो ये फर्जीन का बर्थडे हुआ और अम्मी ने इशारा किया है मीना को कि जाके अब जो है आपने कैमरा पकड़ना है, ताकि मैं भी फैमिली का पार्ट बन सकूँ। कैमरा मैन फरिया जो है वो अब आपकी तरफ फैमिली का पार्ट बनते हुए आपको नजर आएंगी। का तफरी का सा सवा हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कैमरा मैन खुद कैमरा ना संभाल रहा हो तो एक तबाही सी मच जाती है। खैर जो है मैं बड़ी खुश हूँ कि केक अब मेरे सामने है, तालियां बजाने का भी मौका मिला है और जो है वो थोड़ा बहुत केक खाने का भी मौका मिला है। के बाद आपको पता है कि केक को तहस नहस करने का टाइम आ जाता है, यानी केक के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो अब वो मौका आ चुका है। खाने के बाद फर्जीन ने अपनी वीडियो जो है जो फहमीना ने उसके लिए ख़ास बनाई थी, सॉन्ग भी था और क्लिप्स भी थे, और वो देख रही हैं और अपना रिएक्शन दे रही हैं, जिसमें वो हंस रही हैं और खुश भी हो रही हैं काफ़ी कि ख़ास उनके लिए सॉन्ग बनाया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप सॉन्ग सुनना चाहें तो नीचे जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, जहाँ पे आपको ये सारा सॉन्ग क्लिप समेत जो है वो नज़र आ जाएगा। भी इंस्टाग्राम पे जाके और इस सॉन्ग पे अपने कमेंट्स दे के बताइएगा कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। ये देखने के बाद फोटोग्राफी भी हुई सबकी और वीडियोग्राफी भी हुई। अम्मी के साथ फर्जीन ने अपनी एक पिक्चर भी खिंचवाई और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे चले गए बफे लंच पे। बफे लंच काफ़ी मज़े का था, और बफे था तो उसमें तरह तरह की चीज़ें थी, ऑल यू कैन ईट था, तो उसमें बहुत 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 सारी आपको खाने की चीज़ें नज़र आएंगी। और ज़ाहिर है खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ पर खाना आता है तो वहाँ पर मुझे दुनिया की होश ही नहीं रहती। लंच कहाँ पे था, क्या था, ये भी सारी डिटेल्स आपको बहुत जल्द मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मज़े से खाना शाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट था, तो काफ़ी हमने एंजॉय किया।
खाने पीने के साथ गपशप भी चल रही थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई तो हम लोग हर वक्त ही करते रहते हैं और साथ में म्यूज़िक भी चल रहा था। फिर इसके बाद चाय शुरू हो गई तो और सबसे मज़े की ये चीज़ हो गई कि इत्तेफाक से फरजीन का फेवरेट सॉन्ग भी चल पड़ा। तो फरजीन अपने बीबी शिरीनी सुनने में जो है वो मसरूफ़ हो गई, प्रॉबेबली जो है वो ये सॉन्ग फरजीन के लिए प्ले किया गया था। बहरहाल खाना खैर खैरियत के साथ ख़त्म हुआ, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। फैमिना की ये जो है वो जिन्नों वाली हंसी भी आपने देखी और मुझे तो कोई कह दे कि यार नहीं हंसना तो मुझे ज़्यादा हंसी आना शुरू हो जाती है। जाते फरजीन ने एक चराग रगड़ा कि शायद जिन निकल आएगा और उसका खाना हजम हो जाएगा, लेकिन जिन तो क्या चुंटी का बच्चा भी नहीं निकला। एनीवे इसके साथ ब्लॉग ख़त्म होता है, अल्लाह हाफिज़।